रेडियस दे रखा है हमारा आर है, ठीक है। तो बोलेंगे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, किसका, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म करने का तरीका। तो क्या लिखाते हैं हम लोग, सर्कल है, सेंटर दे रखा है 0 0, मान लेते इसको ओ है, रेडियस क्या दे रखा है आर है। रेडियस का मतलब होता है कि उस सर्कल के पॉइंट सेंटर से किसी सर्कल के किसी भी सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पी एक्स कोमा वाई से जो डिस्टेंस लेंगे वो एक फिक्स क्वांटिटी होगी। तो बोलेंगे ओ पी जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू आर है। तो फॉर्मूला लगाएंगे ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में आता है अंडर रूट, मैं अंडर रूट नहीं चाहता हूँ इसलिए स्क्वायर कर रहा हूँ। लिखिएगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। तो क्या आएगा वैल्यू आपको, x माइनस का 0 का स्क्वायर। बाहर पढ़ाता हूँ ना, इतना ना हवा लगता है, गला लगता है कि बच जाएगा एक दिन मेरा, अंदर कराऊंगा तो मजे नहीं आएगा। ये आंसर आ गया आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये मेथड तब अप्लाई करना है जब रेडियस पता हो, सेंटर पता हो, अप्लाई कीजिए, सर्कल इक्वेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व है एनसीईआरटी का, हम नहीं उसको लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर माइनस 3/2 रेडियस 4। निकाल लीजिएगा, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द सेंटर द रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑल्सो इफ द गिवन पॉइंट इज लाइक दिस। मतलब कि सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, पूछ रहा है कि इक्वेशन का सर्कल का सेंटर निकालो, और निकालो क्या, रेडियस भी निकालो। मैंने क्या सिखलाया है, इक्वेशन को सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे तरीके निकालते हैं, देखना। और फाइंडिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज इक्वेशंस गिवन, पता ही लास्ट में फॉर्म लिखवाया था, याद है, हुज इक्वेशंस गिवन, इक्वेशन गिवन फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, माइनस 1/2 इंटू कॉफिशियंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस 1/2 कॉफिशियंट ऑफ एच वाई, कॉफिशियंट ऑफ वाई। अब देखिए इस इक्वेशन में कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या दे रखा है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स दे रखा है हमारा बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। बोलेंगे इक्वेशन सेंटर क्या, पॉइंट क्या है हमारा, 8x है, तो 8 बोलेंगे, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया 8। फिर बोलेंगे इसका y कोऑर्डिनेट क्या, माइनस 1/2 कॉमा इंटू y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, बोलेंगे 10 है, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4.5, सही बात है। और दोनों ही कोऑर्डिनेट माइनस में आएगी क्योंकि मेरा कॉफिशियंट जो x की वैल्यू क्या है, कॉफिशियंट x की वैल्यू है 8 और कॉफिशियंट y की वैल्यू क्या है दे रखी है 10। आंसर माइनस 4.5। आप देखिए इसके बुक में आंसर दे रखा है माइनस 4.5। अब पूछ रहा है रेडियस क्या होगा, हाँ तो रेडियस का तरीका क्या होगा हमारे लिए, अगर हमें सेंटर कोऑर्डिनेट पता है x कॉमा 4 का स्क्वायर हो रहा है प्लस का y कॉमा 5 का स्क्वायर हो रहा है इज इक्वल्स टू r स्क्वायर होता है, तो हम इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि x माइनस का 4 का स्क्वायर और y माइनस का 4 का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे, जो इसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी वहाँ से निकाल देंगे, लेकिन इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तरीका नहीं चलेगा इसके ऊपर, इसका तरीका कुछ और बता रखा है उसने। नोट कीजिए इसको, किसको नोट कर रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं, ये हो गया पार्टी वाला। क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री नोट कर रहे, क्वेश्चन टू मिटा देता हूँ, मैं देखता हूँ अगर हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 10y माइनस का 8 है, ये इक्वेशन सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन is given।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें, हमें चाहिए x माइनस का h का स्क्वायर प्लस y माइनस का k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। मेरे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मुझे h और k की वैल्यू पता है कितनी है, ये है h और k की वैल्यू, h और k है ना, वही h और k पुट करते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस का h माइनस का 4 फिर प्लस y माइनस का 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस का 4 आ जाएगा प्लस y प्लस का 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16 प्लस y स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 10x 10y इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करो, ये मेरा इक्वेशन जो हमें निकला है, हमें चाहिए r की वैल्यू, इसको कंपेयर किए, अब जो भी वैल्यू हमें एक्स्ट्रा मिलेगी उसको मैं आपस में इक्वेट कर दूंगा, तो बोलूंगा यहाँ से इक्वेशन क्या मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर मिल गया, 8x मिल गया, 16 यहाँ नहीं मिला। तो या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि इक्वेशन इसको नाम दिया 1, इसको लोग इक्वेशन नंबर 2, दोनों को घटा दिया, तो क्या आंसर आएगा आपका, माइनस का 8, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, वैल्यू आ जाएगी इधर माइनस का 8, इधर आएगा माइनस का 16 प्लस का 25, ये आर स्क्वायर इधर आएगा, तो हो गया माइनस का आर स्क्वायर बराबर उस तरफ 0 हो जाएगा, तो होगा माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल 0, यहाँ से आर स्क्वायर निकल जाएगा आपका, माइनस का 8 माइनस का 6 5 11 का 1 हाथ में 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4 और प्लस का आर स्क्वायर, जो जाओ कितना आ रहा वैल्यू, माइनस का 49 प्लस का आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 7। ठीक है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी बुक में दे रखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को भी फॉलो कर सकते हैं, जो आसान लगे वो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये निकल चुका था, तो हम चाहते थे चीज़ों को और सिंप्लीफाई करके सोचें, ज़रा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हमको सेंटर निकालने का तरीका मेरे पास चुटकी बजा के हम निकाल सकते हैं, लेकिन रेडियस निकालने क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, दिए गए इक्वेशन से और रिक्वायर्ड इक्वेशन से दोनों को आपस में घटाएंगे तभी आंसर आएगा, इसको नोट कीजिए, तो हम इसका कोई और सिंप्लीफाई तरीका और ढूंढते हैं जो कि इसका मेथड 3 कहलाए। और ये बात सही है कि कॉनिक सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उसको पढ़ाएंगे तो उसको होता है एक पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं, एक होता है कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म, एक होता है पोलर सिस्टम फॉर्म, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, फिर एक होता है पोलर, एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ही बात है, तो इस ढंग से इसमें इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, और मैं दिखलाऊंगा इसको प्रूव करके हर क्वेश्चन को, नोट कीजिए इसको। किसी एस्केप में कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, नोट हो जाए तो मुझे माइक ऑन करके बोल देना, हाँ सर वो नोट हो गया।
बढ़े आगे बोलो तो मैं कौन भी बोलने के लिए हाथ करके पकड़ा नहीं। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर आ रही है। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4। बोलता है कि सर्कल के दो पॉइंट है, एक है 2, -2 है, दूसरा है 3, 4 है, एंड हुज सेंटर लाई ऑन द एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, और उसका सेंटर लाई करता है इस लाइन पर। तो हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने की जरूरत क्या चीज पड़ती है हमारे पास? दो चीज, एक होता है कोऑर्डिनेट यानी सेंटर, दूसरा होता है रेडियस। अगर ये दो चीज पता चल जाएगा तो हम उसका निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में करवा दिया है। अब हमें पता करना है कि सेंटर कैसे निकलेगा और रेडियस कैसे निकलेगा। तो आइए हम दिए गए क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक सर्कल है जिससे एक पॉइंट पास कर रहा है जिसका नाम है 2, -2, सही बात है, एंड 3, 4 मतलब एक और पॉइंट है 3, 4। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो क्या मैं इसको एग्जैक्टली पुट कर सकता हूँ? मुझे मुझे पता ही नहीं कि सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, तो मैं सेंटर पता ही नहीं, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है मान लिया कहीं भी है, लेकिन दोनों पॉइंट जो है वो सर्कल के सर्कल पे लाई करता है। जब कोई चीज़ लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, जब कोई पॉइंट दो पी और एक पॉइंट है क्यू लाई ऑन अ सर्कल बोलेगा ना, तो उसको इससे पास करवा दो, एक्स माइनस का एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस का के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, करवा देंगे आगे चलकर। फिर कहता है एंड द सेंटर लाई ऑन दिस एक्सिस, मतलब इसका कोई लाइन है, उस लाइन पर सेंटर लाई करता है सर्कल का। उस लाइन का इक्वेशन पता है हमें क्या है, एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 2 है। ये वो लाइन का इक्वेशन है जहाँ पे सेंटर लाई कर रहा है सर्कल का। हमें सर्कल का सेंटर नहीं पता है, वो क्या पॉइंट है हमारा एच कोमा के, ये तो होता है ना सेंटर होता है एच कोमा के होता है, तो ये पॉइंट इस पे लाई करता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, एच प्लस का के इक्वल टू 2। क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि दिस पॉइंट लाई ऑन अ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑन दिस पॉइंट सेंटर विल लाई ऑन अ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, सो हेंस इट विल सेटिस्फाई दिस कोऑर्डिनेट टू अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब क्या करना है, और ये दोनों पॉइंट भी किसका है, सर्कल का है, तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा एच और के की जगह पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक्स और वाई की जगह सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट है जो इस पॉइंट में सर्कल पर लाई करता है। ये मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था कि किसी भी सर्कल पे कोई पॉइंट को पी मानते हैं एक्स कोमा वाई और उसका सेंटर मानते हैं सी जिसका कोऑर्डिनेट है एच कोमा के, डिस्टेंस को बोलते हैं आर। तो ये जो लिखा गया डेफिनेशन है वो इसको डिफाइन करता है। तो यहाँ पे मुझे एक्स और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार 2, -2 लिखिए, फिर दे रखिए 3, 4 दे रखिए। अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि सर क्यों ना इसको ज्वाइन कर दिया जाए और बोल दिया कि ये डायमीटर को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, क्या सुनो, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं कहा गया है कि ये दोनों पॉइंट जो है वो सेंटर के अपोजिट कोऑर्डिनेट के पॉइंट है। वो कह रहा है सर्कल लाई कर रहा है लेकिन कहाँ लाई कर रहा है बताया नहीं है, इसलिए इसको हम डायमीटर कोऑर्डिनेट नहीं मान सकते। तो लिखते हैं क्या करना है यहाँ पे, ठीक है वही चीज सेटिस्फाई करवाइए, लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एंड द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ये जो बता रहा हूँ, ये मैंने बता रहा हूँ कि रॉन्ग गलती जो लोग करते हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि सब लोग सोचते हैं ना कि ये तो चीज़ ऐसे ही ना सॉल्व होगा, क्योंकि उनके पास जेन्युइन रीजन नहीं होता, तो वो यही मान के चलते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है वो डायमीटर कोऑर्डिनेट है, वो मान के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मानना सरासर गलत है, आंसर कभी नहीं मिलेगा। एंड द कोऑर्डिनेट पी एंड क्यू विल सेटिस्फाई दैट। वाह 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 वाह, देखते हैं। अच्छा अब पॉइंट क्या दे रखा है मेरा, 3 - h² प्लस 4 - k² इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सर यहाँ पे r की वैल्यू नहीं कुछ पूछ रहे थे, हमें रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, नहीं पुट कर सकते हैं। दूसरा वैल्यू,
फिर कहता है कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, 2 माइनस का h का स्क्वायर प्लस माइनस टू कॉमा माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कौन कौन अननोन है, h अननोन है, k अननोन है, r अननोन है, यानी मेरे पास तीन चीज़ हमें नहीं मालूम है, सेंटर नहीं मालूम है, रेडियस नहीं मालूम है, इसलिए हमें पास तीन इक्वेशन होना जरूरी है, क्योंकि तीन अननोन तो तीन इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए ताकि हम तीनों चीज़ को निकाल सकें। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन मिल गया है, दो इक्वेशन और ढूंढो, कैसे ढूंढोगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या चॉइस है, दोनों चॉइस है, या तो आप क्या कीजिए, यहाँ लिखिए h इज इक्वल्स टू 2 माइनस का k और इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो दोनों में k का आंसर आ जाएगा, r के टर्म में आ जाएगा, फिर दोनों को घटा देंगे हम लोग आपस में, तो वहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, यही करने जा रहे हैं हम। तो पहले जितना मैंने मेथड किया है उसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर इसको करिएगा उस ढंग से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग, इक्वेशन नंबर 3 ये है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल्स टू 2 माइनस का k इन इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, अब इसको करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, नोट कीजिए इतना। ठीक है, अब जो आगे का प्रोसेस है वो पूरा सा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, मैंने जितना करवा दिया बता दिया वही समझने वाला था आपको। ठीक है, इसके आगे का कहानी में सिंपली क्या करना है, यहाँ से एच वैल्यू निकाल ली, उसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो के में सारा इक्वेशन आ जाएगा और आर के टर्म में आ जाएगा, दोनों घटाएंगे हम, आर से आर को कट जाएगा, के आंसर आ जाएगा। थोड़ा मैं स्टेप बढ़ा के दिखाता हूँ क्या होने वाला है आगे चल के। 3 माइनस का एच वैल्यू कितना है, 2 माइनस का के ब्रैकेट टू दी होल ब्रैकेट, ये के स्क्वायर एज इट इज प्लस का 4 माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में भी ये h की वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर आएगा 2 माइनस का h की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस का k प्लस, फिर अगला है, आगे बढ़ते हैं, अगला है माइनस का 2 माइनस का k, तो k एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मैं दोनों घटा रहा हूँ क्योंकि मेरा LHS पार्ट जो है ना इक्वल है, घटाऊंगा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट को खोलो कितना आता है यहाँ पे, 3 माइनस का 2 तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस का k तो लिखेंगे, और माइनस बाहर में भी है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस का k का स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 2 0, तो यहाँ बचेगा सिर्फ k स्क्वायर, अच्छा ये वाला पार्ट बचा हुआ है तो 4 इसको इसमें घटा रहे हैं ना, तो ये बचेगा 2 माइनस 2 घट गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस k का स्क्वायर, फिर 4 माइनस का k का स्क्वायर, 4 माइनस का k का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 माइनस का k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आती है आपको 1.3 और h की वैल्यू कितनी आती है आपकी, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं बोलिएगा बता देंगे। और r की वैल्यू आएगी आपको r स्क्वायर इक्वल्स टू 12.58, जब k आ गया तो h आ गया, दोनों वैल्यू पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में, वहां से आपको r आ जाएगी। मेन था इतना चीज को समझना, जो शॉर्ट ट्रिक सब जो है ना, पहले एक बार सारा चीज लोग पढ़ लेंगे ना, फिर शॉर्ट ट्रिक समझने में आसानी होगा, जब मैं रिविजन क्लास डालूंगा ना वहां मैं शॉर्ट ट्रिक सब पढ़ाऊंगा इसके, कि क्या क्या इसको तरीके हैं सॉल्व करने के कम टाइम में। एक बार बेस बना लेते हैं हम लोग कोई सेक्शन का, तो फिर अभी शुरू करूंगा इतना हार्ड हार्ड ना तो लगेगा कि सर इतना हार्ड क्यों पढ़ा रहे हैं।
अच्छा हो गया नोट, ठीक। अब क्या है, जितना मैंने बता दिया वो सब सर्कल के बारे में था, अब मैं बताऊंगा पैराबोला के बारे में, तो उसको यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा, अपने टेक्स्ट बुक पे जाऊंगा वहां से समझाऊंगा, ठीक है बात। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए हमसे, ठीक है सर। सर्कल में कोई, ठीक है।